हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए क्लास टेंथ, आज हम लोग क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर वन लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इसके पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखिए एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जब किसी वेस्ट प्रोडक्ट को जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब ये आप कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि कुछ प्रोसेस के बाद होता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस के बाद, जैसे कि मान लीजिए आप कोई फूड इंटेक किए, ठीक है, इंटेक किए अपने बॉडी में लिए, फिर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, डाइजेशन होगा, उसके बावजूद उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट कुछ बचता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट। अभी हमने बताया कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, कुछ प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बचता है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट में देखिए कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे डाइजेस्टिव वेस्ट हो गया, यानी कि आपने फूड को इंटेक किया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, उसके बाद जो वेस्ट उसमें बचा वो क्या है, डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है, उसको रिमूव करना। फिर नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी वेस्ट। अब रिस्पायरेटरी वेस्ट देखिए, जैसे ऑक्सीजन को हमने लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वेंस में हमारे जाएगा, ठीक है, लंग्स में आएगा, लंग्स के थ्रू थ्रोट में जाएगा, फिर थ्रोट की से नोज के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया, वो रेस्पायरेटरी वेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट में देखिए क्या क्या आता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर होते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस पार्ट से होता है। ठीक है, या वो क्या चीज वेस्ट को, कौन से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक, तो देखिए पहला हमारा क्या हो गया, अमीबा। ठीक है, अमीबा। अब अमीबा में देखिए एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है, सेलुलर सरफेस है। ठीक है, अमीबा में एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर सेलुलर सरफेस है। सेलुलर सरफेस किस लिए कहा गया है, क्योंकि अमीबा क्या है, एक ही सेल से बना है, यूनिसेलुलर है। ठीक, यूनिसेलुलर है, तो अमीबा के यूनिसेलुलर यानी कि सेलुलर सरफेस से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है। अब देखिए वेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को अमीबा अपने सेलुलर सरफेस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है अपनी बॉडी से। ठीक, अब देखिए अमीबा, तो अमीबा का स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेल है, सेल है, सेल है। ठीक है, तो ये पूरे, ये जो सरफेस दिया है, इसका स्ट्रक्चर दिया है सेलुलर स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, सेल है, सेल है, सेल, सेल। ठीक है, तो इन सारे पार्ट से क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया निकलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है, यानी कि हाइड्रा अपने बॉडी के किस पार्ट से या किससे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, तो देखिए यहाँ क्या है, बॉडी सरफेस। हाइड्रा अपने बॉडी सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को क्या करता है, अपने बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, अब यहाँ बॉडी सरफेस क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रा क्या होता है, मल्टी सेलर होता है, मैनी सेल्स होता है, यानी इसमें ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे सेल्स से बना होता है, जो कि यहाँ पे क्या यूज किया गया, बॉडी सरफेस कहा गया है, क्योंकि वो पूरे बॉडी से ही वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। क्या वेस्ट प्रोडक्ट है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अमीबा और हाइड्रा का सेम है वेस्ट प्रोडक्ट, क्यों सेम है,
क्योंकि वाटर में रहने वाले हैं, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि वाटर में जितने भी प्राणी रहते हैं, ठीक है, वाटर में हर रहने वाले प्राणी क्या करते हैं, हर रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अमोनिया जरूर निकालते हैं, ठीक है। वाटर में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वो सारे एनिमल्स अमोनिया जरूर निकालेंगे, ठीक। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। अब क्या है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हो गया हमारा, अब एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक। अब प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये देखिए क्या है पहला पॉइंट हमारा, प्लांट रिमूव ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, यानी कि प्लांट रिमूव करता है ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू, ठीक। प्लांट रिमूव करेगा ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स, यानी कि प्लांट से जो सारे ओल्ड लीव्स और बार्क्स होते हैं उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस वाटर H2O मतलब वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, यानी कि जो एक्सेस वाटर रहते हैं प्लांट में, जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो क्या करता है, रिमूव करता है स्टोमेटा के थ्रू, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेगा स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। समझ में आया, ठीक है। अब एक्सक्रीशन प्लांट हमारा हो गया, अब क्या होगा, अभी तक हम लोग एक्सक्रीशन देखें, एक्सक्रीशन एनिमल्स देखें और प्लांट देखें, अब क्या है हमारा ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला हमारा यूरेटर्स है, नेक्स्ट क्या है, टू किडनीज है, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर है, एंड नेक्स्ट यूरेथ्रा है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप नोट डाउन कीजिए। देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी हम बताए थे कुछ पॉइंट, ठीक है, कि क्या क्या आते हैं। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था, हमारा किडनी था, यूरेटर्स था, यूरिनरी ब्लड है, यूरेथ्रा था, ठीक है। तो देखिए अब किडनी, किडनी का क्या काम होता है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, यानी कि ये ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यूरेटर्स है, यूरेटर्स कहता है इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लड, यानी कि जो यूरिन होता है किडनी में वो ड्रेन करता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरेटर क्या करता है, ड्रेन करेगा यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इट स्टोर द यूरिन, यानी कि यूरिन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। यूरेथ्रा ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी, यानी कि जो यूरिन स्टोर था उसे क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, उसे बाहर निकालेगा बॉडी से, कौन, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरिन को बाहर निकालेगा, ठीक है। अब क्या है, ये क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हो गए। अब निफ्रॉन, निफ्रॉन कहाँ से आया, क्योंकि जो किडनी है, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट ये क्या होती है, निफ्रॉन होती है, ठीक है। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, निफ्रॉन होती है। तब देखिए निफ्रॉन क्या, निफ्रॉन, निफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। देखो ये लिखा है कि किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, निफ्रॉन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट, यानी कि इसमें एक ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट रहता है डक्ट से, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज वुमेन्स कैप्सूल, जिसे क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम बन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी, पहले अभी आप ऐसे देख लीजिए। अब देखिए वुमेन्स कैप्सूल क्या है, वुमेन्स कैप्सूल क्या करता है, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूनिट, यानी कि ब्लड को फिल्टर्स करता है और कलेक्ट करता है यूरिन को, ठीक। अब देखिए हिनलेस लूप, अभी दिखाते हैं फिगर में, हिनलेस लूप री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड वाटर H2O वाटर, यानी कि ये री एब्जॉर्ब करेगा किसका, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और H2O का, यानी कि ये री एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड एंड वाटर को, ठीक है। देन यूरिन इंटर्स इंटू यूरेटर थ्रू डक्ट एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि उसके बाद क्या होता है, जो डक्ट में हमारा यूरिन रहता है, डक्ट में जो यूरिन रहता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। जो कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है यूरिन, ठीक है। अब देखिए ये फिगर, पहले ये देख लें एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन का फिगर देखिए क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, एओर्टा है, ठीक, ये वेना कावा है, ये सारी चीज़ें हम कुछ चीज़ें आप लोग को हार्ट में बता चुके हैं, ठीक है। ये एओर्टा है, ये क्या है, वेना कावा है,
ठीक, फिर ये क्या है हमारा रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी क्यों, क्योंकि किडनी का आर्टरी है, ठीक है। फिर क्या है ये जो नली गई है इसको क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, ठीक। ये जो थैली से अटैच है, यूरिनरी ब्लड से अटैच है, इसे क्या कहेंगे, यूरेटर, ठीक है। और ये क्या है, रीनल वेन, रीनल वेन किस लिए, क्योंकि ये किडनी की वेन है, ठीक है। किडनी से वेन जो अटैच है वो इसे क्या कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे, ठीक। अब ये जो थैला हमारा, ये जो पाउच दिख रहा है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसी में हमारी यूरिन इकट्ठा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा बॉडी से बाहर निकालता है। अब देखिए ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री क्यों है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी गुब्बारे में एग्जाम्पल्स, ठीक है, किसी गुब्बारे में आप पानी भर दीजिए, ठीक है, तो जितना पानी आएगा आप उतना ही वाटर उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट सकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है कि उसमें एक क्या होगा, यूरिन आएगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, यूरिन होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। जब यूरिन कलेक्ट होगा, जब ओवर एक्सेस हो जाएगा, यानी कि एक्सेस यूरिन जब होने लगेगा, एक्स्ट्रा होने लगेगा, तो क्या होगा, CNS हमारा ऑर्डर देगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितना आपके अंदर क्षमता होगी उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आपका CNS ऑर्डर देने लगा कि अब ये इसे रिमूव करें, इसे बाहर निकालो, तो उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तब उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एक्सेस यूरिन हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो क्या हो सकता है, वो रैप्चर हो सकता है, फट सकता है। इसलिए क्या होता है, हमारा CNS क्या होता है, आप एक सीमा तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब CNS आपको ऑर्डर देने लगेगा, तो उसे आप कंट्रोल चाह कर भी कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ना जगह देखेगा, ना समय देखेगा, ना कुछ देखेगा, वहीं पर क्या होगा, वो निकलने लगेगा बाहर। क्यों, क्योंकि उसके लिए जगह कम पड़ा था, उसको बाहर निकलने की जरूरत थी, इसलिए वो क्या करेगा, निकलने लगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ठीक। अब ये फिगर देख लेते हैं हम, ये किसका फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन का है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हम क्या बताते कि वुमेन्स कैप्सूल, तो ये क्या है, ये जो कैप्सूल की तरह दिख रहा है, जो गोला टाइप दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक। वुमेन्स कैप्सूल है जो कि क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करेगा, कलेक्ट करेगा यूरिन को, ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा और क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा, ठीक। और ये क्या है, ये जो हमारी वेन गई है, नली गई है, वो क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूबुलर पार्ट है मतलब ट्यूब की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है। अब हेलनेस लूप की बात हम लोग कर रहे थे, जो क्या अब्सॉर्ब कर रहा था, किसका, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर का। तो ये क्या है हमारा, ये जो ट्यूब गया है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर गया है, ये क्या है हमारा, हेलनेस लूप है, ठीक है। और ये क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज आपको पहले भी बता चुके हैं, और रीनल वेन, वेन भी बता चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यही एक्सक्रेटरी के साथ साथ हमारा चैप्टर, यहाँ पे पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस का, वो समाप्त होता है। नोट डाउन कर लीजिए।